मेरा नाम सर प्रदीप कुमार शुक्ला है, मैं आप लोग किस लिए यहाँ बैठे हैं? मैं सर 69,000 शिक्षक भर्ती का दिव्यांग कैंडिडेट हूँ और इस भर्ती में हमारा जो नैतिक वो हमारा जो संविधान द्वारा सम्मत हमें RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत जो हमें अधिकार दिए गए हैं वो हमें हमारा आरक्षण नहीं दिया गया है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, पिछले 14 तारीख से बैठे हैं, आज हमारा 10वां दिन है और सर हमारी कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। यहाँ के अधिकारी महोदय क्या है? सचिव महोदय ने शुरुआती दिन में मुझसे पहले दिन हम लोगों को बुला के बात किया था और कहा आप लोग परेशान ना होइए, हम लोग आपके पहली बार तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि कुछ इसमें नहीं बचा है और बाद में जब हम लोगों ने प्रेशर बनाया कि सर हम लोग से गलती हुई, हम लोग पास हैं, आपका जो कट ऑफ है उसमें हम लोग पास हुए हैं, तो फिर उन्होंने जब हम लोगों के कागज़ देखे, हमारी मार्कशीटें देखी कि हम लोग इतने उच्च कट ऑफ पे पास हैं और 105 106 नंबर वाले भी लोग रह गए हैं यहाँ पर, तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा कि कैसे छूट गए, तो उन्होंने कहा देखता हूँ कहाँ गलती हुई, हमारे कंप्यूटर से गलती हुई है, ये है वो है, और अंत में उन्होंने एक प्रत्यावेदन बना के महानिदेशक महोदय के कार्यालय प्रेषित किया है और हमें एक आश्वासन दिया कि हम कुछ करेंगे। लेकिन सर 15 तारीख के बाद से सचिव महोदय अपने ऑफिस नहीं आए हैं और सब लोग इस कड़ाके की सर हम लोग यहीं पड़े रहते हैं और कोई हमें ना मदद करने वाला है ना कोई सुनने वाला है। सर हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमारी वार्ता हो जाए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सर हम चाहते हैं कि इस भर्ती में RPWD एक्ट 2016 का जो हमारा अधिकार है वो सब इसमें इम्प्लीमेंट किया जाए और सर हमारे सभी लोग ये पास हैं, सबका कल्याण हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके पत्र के माध्यम से चाहता हूँ सर कि हमारी बातें उच्च अधिकारियों तक और आदरणीय योगी जी पहुँचाई जाए ताकि हमारे भाइयों का भला हो और इस कड़ाके की ठंड से हमको निजात मिले। सरकार एक तरफ कहती है कि सबका साथ सबका विकास का सपना स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है? और आदरणीय मोदी जी ने हमको एक नाम दिया दिव्यांग, लेकिन सर हमारी स्थितियाँ कभी नहीं बदली, हमेशा से हम प्रताड़ित रहे हैं सर और ये हमेशा होता है हम लोग साथ, लेकिन इस बार पहली बार हुआ है सर कि प्रदेश के लगभग 75 जिलों के लोग यहाँ पड़े हुए हैं सर, आपके सामने पहली बार ऐसा हुआ है कि विकलांग अपने अधिकारों के लिए खड़ा हुआ है सर, जो इन लोगों को शायद रास नहीं आ रहा है, हमसे कोई मिलने वाला नहीं, कभी नहीं आते हैं, तरह तरह की टैक्टिक्स हम लोगों के साथ की जाती हैं, कभी लाइट बंद कर दी जाती है, हम लोगों को मोबाइल नहीं चार्ज कर दिया जाता, मतलब कुल मिला के हम अपने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सर कि हमारी प्रार्थना आप आदरणीय योगी जी तक पहुँचाएँ, मुझे भरोसा है कि जब वो जानेंगे तो वो बहुत ही दयालु हैं, हम लोगों का कल्याण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।